Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O Pocket Ganganagar, Mavana Road, Meerut. नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फक बैठो टीवी। मुजफ्फरनगर के एसएसपी आईपीएस अभिषेक यादव इन दिनों चर्चा में हैं। वायरलेस पर पुलिस को ड्यूटी के प्रति सावधानी बरतने को लेकर खरी खरी सुनाने के बाद अब उन्होंने पंचायत चुनाव के प्रत्याशी को आड़े हाथ लिया है। कुख्यात विक्की त्यागी गैंग का सहारा किसी को धमकाने के लिए लिए जाने पर जिंदगी नर्क बना देने व सात पुस्तें याद रखेंगे, ऐसा कर देने की बात उन्होंने डीएम की मौजूदगी में कही। इस चेतावनी को देखकर उनके सख्त छवि उभर कर सामने आ रही है। मीडिया में उन्हें सिंघम के रूप में भी प्रचारित किया जा रहा है। आइए सुनते हैं पहले वह वायरलेस संदेश जो उन्होंने कुछ समय पहले ही दिया था। चीजें नहीं बता सकता, चौकी इंचार्ज चीजें नहीं बता सकता, तो चौकी और थाना छोड़ दो, मैं तनखा नहीं दूंगा। ये बेसिक काम है पुलिस का, अगर ये काम नहीं कर सकते तो किस बात की तनखा मिलनी थी आपको? टाइम मैं किसी एरिया में निकल जाऊं, मजाल है पुलिस वाला दिखाई दे जाए, पीआरवी कभी घूमते हुए दिखाई दे जाए, चीता दिखाई दे जाए, बहुत बड़ी बात है। हाँ लेकिन फोटो जरूर आएंगे, 250 फोटो डेली। सादे में अपने थाना क्षेत्र में किसी दिन जाके खड़े हो जाइए मार्केट में, असलियत पता लग जाएगी हमारी। और किसी दिन अपने परिवार के साथ चले जाइए बिना किसी सिक्योरिटी के, और ये वो बोल रहा हूं जो मैंने किया है इसी डिस्ट्रिक्ट में। कहीं से सुरक्षा की भावना नहीं आती है, कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम लोग सेफ है। सारे लड़के घूमते हैं वहां पे, दो दो तीन तीन मोटरसाइकिलों पे ऐसे जबरदस्ती चिल्लाते हुए गुंडे किस्म के, एक पुलिस वाला नहीं दिखाई देता तो किस बात के लिए पब्लिक सेफ फील करेगी? फील कहां से करेगी सेफ जब कोई दिखाई नहीं देगा? पूरे पूरे रोड पे इस तरह के लोग हांटते हुए घूमते हुए फिर रहे हैं, कोई पुलिस वाला नहीं है। पूरी पूरी रोड मार्केट के एरिया में पूरी पूरी रोड पे मोटरसाइकिल गाड़ियां खड़ी है। जिस रोड पे दो गाड़ियां निकल सकती हैं उस पे एक आदमी के पैदल चलने की जगह बचती है, इस तरह से मोटरसाइकिल और गाड़ियां खड़ी होती हैं। कर क्या रहे हैं फुट पेट्रोलिंग में हम लोग भाई? कौन सी फुट पेट्रोलिंग हो रही है? ये शाम के टाइम इस जनपद के 1500 आदमी कर क्या रहे हैं? इन दिनों प्रदेश में पंचायत चुनाव का बोलबाला है। पुलिस व प्रशासनिक अफसर जगह जगह सभा कर लोगों को समझा रहे हैं कि पहले क्या हुआ उन्हें नहीं पता, लेकिन यदि इस बार हुआ तो सात पुश्ते याद रखेंगे। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव पावटी में एसएसपी अभिषेक यादव ने कहा कि विक्की त्यागी, मीनू त्यागी के परिवार का यदि किसी ने सपोर्ट लिया तो उसका इलाज बांध दूंगा, वह जिंदगी भर चुनाव नहीं लड़ेगा। किसी भी प्रत्याशी ने गैंगस्टर का सपोर्ट लिया तो यह चुनाव तो भूल जाओ, अपनी सात पीढ़ियां संभालते संभालते मर जाओगे। इसके बाद बुढ़ाना थाना क्षेत्र के गांव जोला में ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए एसएसपी अभिषेक यादव ने जो कहा, आइए वह देखते हैं। त्यागी, विक्की त्यागी और उसके परिवार का किसी ने सपोर्ट लेने का इतना सा भी प्रयास किया, चुनाव भूल जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। मैं ये बात अपने पूरे गाँव में एक आदमी को बता देना, ठीक है? उसके खानदान का मुझे कोई आदमी अगर दिख गया तो उसका तो मैं अलग से इलाज बांधूंगा ही बांधूंगा, लेकिन अगर किसी प्रत्याशी या किसी सपोर्टर ने इतने बड़े गैंगस्टर या अपराधी या उसके परिवार का सपोर्ट लिया तो ये चुनाव छोड़ दो, अपनी सात पीढ़ियां संभालते संभालते मर जाओगे। अगर किसी के भी दिमाग में ये बहम है कि भाई आप दबंगई से डरा के धमका के वोटरों को वोट डलवा लोगे और चुनाव जीत जाओगे, अगर मुझे पता लग गया तुम जीतो या ना जीतो मैं जिंदगी नरक बना दूंगा। चुनाव लड़ोगे सही तरीके से लड़ोगे, कोई गलत तरीके से शराब बांटना, धमकाना, वोटर को बिठाना, किसी के घर में जाके धमकाना, भीड़ लेके जाना, ये सब नौटंकी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। चुनाव लड़िए तमीज से लड़िए, मुझे नहीं पता आपने आज से पहले कैसे लड़ा है चुनाव, मेरे टाइम पे ये नौटंकी नहीं होगी। और अगर किसी को लगता है कि भैया हम ये बकवास कर रहे हैं तो मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, जिस प्रत्याशी में दम है वो करके दिखाए फिर मैं बताऊंगा। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़िए और जितने गाँव के लोग हैं भैया ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, आप रहोगे 5 साल प्रधान चुनोगे तुम, प्रधान होगा तुम्हारा, अगर वो शराब पिला रहा है, अगर वो किसी को धमका रहा है, अगर वो कोई भी नौटंकी कर रहा है, पहले ही नियत खराब है, क्या करेगा वो तुम्हारे काम के लिए 5 साल में। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।